हाँ जी, गेट वेट इंग्लिश से थोड़ा एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो के आप 10th क्लास की जो ट्रांसलेशन है पंजाबी टू इंग्लिश वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है बेटा। 100 सेंटेंसेज ने जल्दी जल्दी मैं कवर करवा रहे हैं, सो तुसी नोट करी चलो, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो तुसी। ये पूरे साल का सिलेबस है थोड़े बेटा, पूरे साल के दौरान इस 100 सेंटेंसेज ही तुसी ने करने ने। हो सकता है जेकर टर्मिनल सिस्टम इस साल भी होया तो फस्ट टर्म के फिर फस्ट 50 सेंटेंस आने, सेकंड टर्म के लास्ट 50 आने, ठीक है। इस बारे आप डिस्कस करांगे पूरे सिलेबस के पैटर्न पर, ठीक है। पैटर्न अजे जो है अपलोड नहीं होया अपने को, बोर्ड वालों पैटर्न नहीं आया है। जेकर पहला वाले इस करंट जो सैशन में पिछे गया है, थोड़े पेपर होने वाले ने 10th क्लास के, उस सैशन के अकॉर्डिंग जेकर देखिए तो 2 टर्म सगिया, पर इस बार हो सकता है चेंज हो जाए, वो उससे आप अलग वीडियो बनावेंगे। फिलहाल तुम ये ध्यान रखो कि 100 सेंटेंसिज ने पूरे सिलेबस के पंजाबी टू इंग्लिश। आओ शुरू करते हैं। फस्ट सेंटेंस तुहाडे कोल है गया, मैं ये सवाल हल कर सकता हाँ, आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। दैन तुहानू किसी चंगे डॉक्टर नू दिखाउणा चाहिदा है, यू शुड सी और कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। इन्हां विच कोई एक वर्ड लिख लियो, सी लिख लियो या कंसल्ट, कंसल्ट दोनों चो एक लिखना है, ठीक है। दैन सानू अपने माता पिता का कहना मनना चाहिए है, वी शुड अबे आवर पेरेंट्स। अज रात वर्खा हो सकती है, इट्स मेड इन टनाइट। वो इत्थे रहा करदा सी, ही यूज टू लिव हियर। मेहनत करो अजिहा ना होवे कि तुसी फेल हो जावो, वर्क हार्ड लैस यू शुड फेल। दैन सानू अपने देश की सेवा करनी चाहिए है, वी शुड सर्व आवर नेशन। दैन सब ने एक ना एक मरना ही है, एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे और द अदर, वन डे और द अदर। दैन काश मैं अमीर हुंदा, वुड दैट आई वर रिच। मेरी की मजाल कि मैं थोड़ा अपमान करा, हाउ डेयर आई इंसल्ट यू, हाउ डेयर आई इंसल्ट यू। असी क्रिकेट खेडते हाँ, वी प्ले क्रिकेट। मेरी घड़ी ठीक समा नहीं दिंदी है, माई वॉच डजंट कीप करैक्ट टाइम। धरती सूरज दुआले घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वो कदों सौंदे हैं, व्हेन डू दे स्लीप। मैं पत्र लिख रहा हाँ, आई एम राइटिंग लैटर। मुंडे शोर मचा रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। की चपड़ासी घंटी बजा रहा है, इज द पीएन रिंगिंग द बेल। तुसी अपनी किताबें क्यों खराब कर रहे हो, वाई आर यू स्पॉयलिंग योर बुक्स। मैं अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसने इस पाठ की दोहराई नहीं की है, ही हैज नॉट रिवाइज दिस लेसन। की वर्खा रुत शुरू हो गई है, हैज द रेनी सीजन सेट इन। वो कदे आगरा नहीं गया है, ही हैज नेवर बीन टू आगरा। सवेर तो बूंदाबांदी हो रही है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 10 साल तो इस स्कूल विच पढ़ा रही हाँ, आई हैव इन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 10 ईयर्स। की सवेर तो मूसलाधार वर्खा हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग। कैट्स एंड डॉग्स की थान पर तुम हैवली भी लिख सकते हो बेटा, हैवली। की माली सवेर तो पौधों को पानी नहीं दे रहा है, हैज द गार्डनर नॉट बीन वॉटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। मैं कल अपने दोस्त दे घर गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। वो कल बाजार नहीं गए, दे डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। की तुसी अपना समय बर्बाद किया, डिड यू वेस्ट योर टाइम। असी चाह पी रहे सी, वी वर टेकिंग टी। असी क्रिकेट नहीं खेल रहे सन, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। की वो स्कूल जा रहे सन, वर दे गोइंग टू स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने तो पहला घंटी बज चुकी सी, द बैल हैड गॉन, द बैल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। इतने क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटा, इतने डंडी है, ठीक है, लास्ट से फुल स्टॉप इधर इंग्लिश। की डॉक्टर दे आउन तो पहला मरीज मर चुका सी, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। मुंडे 2 दिन तो नचने की प्रैक्टिस कर रहे सन, द बॉयज हैड बीन प्रैक्टिसिंग डांस फॉर 2 डेज। की वो काफ़ी समय तो किताब लिख रहा सी, हैड ही बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो पतंगा उड़ाउणगे, दे विल फ्लाई काइट्स। ओ की ओ कल स्कूल आउणगे, विल दे कम टू स्कूल टमोरो। ओ अपना पाठ याद कर रहे होणगे, दे विल बी लर्निंग देयर लेसन। की तुहाडे माता जी खाना बना रहे होणगे, विल योर मदर बी कुकिंग फूड। मैं उदों तक सड़क पार कर चुका होवांगा, आई शल हैव क्रॉस द रोड बाय देन। की ओ स्कूल, की ओ मेरे तो पहला स्कूल पहुंच चुका होवेगा, विल ही हैव रीच स्कूल बिफोर मी। मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा होवांगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। की वो जलंधर विच 1995 तो रह रहा होवेगा,
विल ही हैव बिन लिविंग इन जालंधर सिंस 1995। तो भी सवेर तो कपड़े नहीं धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल नॉट हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, कदे झूठ ना बोलो, नेवर टेल अ लाई, बुरी संगत तो बचो, अवॉइड बैड कंपनी, शोर ना मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइज, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, चुप रहो है बेटा ये सेंटेंस, रहे नहीं चुप रहो है, रहो कर लेते ठीक है। कीप साइलेंस, उसनु बोलन दियो, लेट हिम स्पीक, मैनू जान दियो, लेट मी गो, आओ सैर नु चलिए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ धुप्पे बैठिए, लेट अस सिट इन द सन, मेरे लिए पानी का गिलास मंगवाओ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, अपना समा बर्बाद ना करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मेरी गल सुनो, लिसन टू मी, बकवास ना करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, ए पत्र डाक विच पा दियो, पोस्ट दिस लैटर, अपनियां किताबां खोलो, ओपन योर बुक्स, अज मौसम बहुत सुहावना है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, अज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, अज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, मैं एक विद्यार्थी हाँ, आई एम अ स्टूडेंट, अज हवा बंद है, इट इज़ क्लोज टुडे, ये खबर सच्ची है, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, दिल्ली भारतीय राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, साड़ी जमात विच 10 कुड़ियां हैं, देयर आर 10 गर्ल्स इन आवर क्लास, भारत त्योहारां दी धरती है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। देन मैं अज ठीक महसूस नहीं कर रही हाँ, आई एम नॉट फीलिंग वैल टुडे, हाथी दे दंद खाण दे होर अते दिखाउण दे होर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सारियां प्रोवर्ब्स ने कहावतां ने बेटा, जो गरजदे हन ओह बरसदे नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, करदा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी ठग, अ प्रोफेट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अ रोलिंग स्टोन गैदरस नो मोस, जिहो जिहा बीजोगे ओहो जिहा कट्टोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, थोथा चना बाजे खना, एम्पटी वैसल्स मेक मच साउंड, जैसा देश वैसा भेस, वैन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, दान घर तो शुरू हुंदा है, चैरिटी बिगिन एट होम, अपना अपना पराया पराया, ब्लड इज थिकर दैन वॉटर, ब्लड इज थिकर दैन वॉटर, चोर चोर मसेरे भरा, बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, फ्लॉक टुगैदर, मेरे पिता जी मेरे घर के करता धरता हैं, माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली, मेरी बेटी मेरिया अखा का तारा है, माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आईज, ये घर दोहां भरावां विच झगड़े की जड़ है, दिस हाउस इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स, उसका भाषण पिंड के लोगों की समझ तो बाहर सी, हिज लैक्चर वॉज ऑल ग्रीक टू द विलेजर्स, अपने काम नाल मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, जिंदगी फुलां दी सेज नहीं है, लाइफ इज नॉट अ बैड ऑफ रोजिस, इत्थे बेटा तुसी इन्ना ही लिखना है, लाइफ इज नॉट ए बैड ऑफ रोजिस, रोजिस तक लिखना तुसी ठीक है, ये जो है इत्थे मिस मतलब गलत टाइप हो गया है, इत्थों तक लिखो तुसी, लाइफ इज नॉट ए बैड ऑफ रोजिस ठीक है, जिंदगी फुलां दी सेज नहीं है, इधर उधर दियां गल्लां ना करो, कम दी गल करो, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उसने अपनी सौतेली मां दी मौत ते झूठे हंजू वहाए, ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हिज स्टेप मदर, उसनू घट सुनदा है, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तुसी की चाहुंदे हो, व्हाट डू यू वांट, पौद्यां नू पानी कौन दे रहा है, हू इज वॉटरिंग द प्लांट्स, उस वेर तो किथे है, वेयर हैज ही बीन सिंस मॉर्निंग, वोटां किवें पाईआं जांदीआं हन, हाउ आर वोट्स कास्ट, तुसी एनी लेट क्यों हो, वाई आर यू सो लेट, किन्ने सोहणे दिन हन, हाउ ब्यूटीफुल द डेज आर, बच्चा किन्ना होशियार है, हाउ इंटेलिजेंट इज द चाइल्ड इज, हाउ इंटेलिजेंट द चाइल्ड इज, अफसोस भारत मैच हार गया, अलास इंडिया लोस्ट द मैच, श्रीमान जी शुभ सवेर, गुड मॉर्निंग सर,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੀ ਲੁਕਸ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।